गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं उठा ही ना, और अब देखते हैं क्या करते हैं और चलते हैं, जो भी काम बोलते हैं मुझे तो वहाँ जाते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं उठ के हाथ मुँह धोऊँगा और फिर चलते हैं कहीं, करते हैं कुछ काम भाई। और चलिए अब चलते हैं काउच सेट। तो एक्चुअली ना, आप सोच रहे हो ना कि बिस्तर भी खुद कर रहा है ये सो, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे ही सुबह उठते हैं तो भाई, मैं तो हर रोज़ जो है वो अपना बिस्तर जो है ठीक कर लेता हूँ। और ऐसे देखिए, ये बेड शीट जो है वो ऐसे बिल्कुल ठीक करके तभी जो है मैं और आगे वाला काम करता हूँ। सबसे पहले यही काम होता है और ऐसा करना चाहिए वैसे। और अभी चलते हैं हम काउच सेट। चलो फिर, आप भी चलो और मैं भी चलता हूँ। देखिए मेरा डबल रोल। अभी सुबह सुबह ही चलो। अभी वैसे ना है ना, सुबह सुबह ही ऐसे दौड़ने का और ऐसे एक्सरसाइज करने का कुछ मज़ा ही और होता है ना। तो मैंने जो है अभी ना काउच सेट से आके जो है वो एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी वहाँ भी कर लेता हूँ। बस जैसे ही मेरे को मौका मिलता है ना, वैसे ही मैं कभी कुछ कर लेता हूँ और फिर एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। और काम हो करने को तो काम भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और अभी हम पहुंचने वाले हैं काउ शेड। ये देखिए, ऐसे रास्ते होते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, अभी इस टाइम ना ये हरा हरा घास होता है ना, चारों साइड जो है वो हरियाली हरियाली, तो अच्छी भी लगती है। और जब ना ऐसे रास्तों से जाते हैं सुबह सुबह, तो उसकी बूंदें पड़ी होती है इसके ऊपर, तो जब गीला गीला जैसा लगता है ना, सारे पाँव गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो थोड़ा अजीब जैसा फील होता है। आइए, तो हम पहुंच गए हैं अपने काउशेड। और हमारा सबसे पहले जो है वो जितने भी किसान भाई हैं जिन्होंने पशु रखे हैं, तो सबसे पहले उनका काम होता है काउशेड जाना और पशुओं का देख रेख करनी होती है वहाँ पे, क्योंकि रात को जो है वो जल्दी 7 साढ़े 7 बजे घास दे देते हैं और फिर सुबह ही उनकी खबर लेते हैं। तो पशुओं को भी भूख लगी होती होगी, क्योंकि आजकल जो है घास कच्चा होता है ना, तो देखिए कैसे भूखे जैसे लग रहे हैं ना और बहुत कमज़ोर जैसे लग रहे हैं। तो भाई मतलब सुबह सुबह ही ना
खाया नहीं होता पशुओं ने कुछ नहीं, तब तो इतने कमजोर लगते हैं। और यहाँ पे काऊ शेड में देखिए कीचड़ ही कीचड़, आजकल बरसात है, कच्चा है घास, तो उसकी वजह से ना ये पूरे ना कीचड़ ही कीचड़ होता है। बाहर जाएं खेतों खुतों में, वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़, और यहाँ काऊ शेड आए तो भी। और यहाँ पे अब हम घास दे लेते हैं, और जैसे किसी के पास पशु है ना और दूध देने वाला है, तो सबसे पहले जो है वो उनको बाहर करेंगे और फिर उनसे दूध निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो काऊ शेड साफ़ करेंगे, फिर घास डालते हैं। तो हमारे तो आपको पता ही है कि दोनों जो गाय हैं वो बच्चा देने वाली है, तो ये इनका जो है वो दूध, अभी इनके पास दूध नहीं है। तो इनके जब इनके पास दूध होता है ना, तो सबसे पहले हम ऐसा ही करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घास सबको दे देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये मिसिज करेंगे काउशेड की सफाई। और थोड़ा सा ऊपर ये देखिए घास है, मैं इसको निकाल लूँगा तब तक, और फिर जो है आगे वाला काम शुरू करते हैं। तो ये अभी इनको जो है वो यहाँ पे, जी हाँ, तान बोलते ना हमारे यहाँ, तान का दरवाज़ा, वहाँ पे ना थोड़ी सी घास है, उसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा आने जाने में जो है वो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो मैं घास निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे देखिए उखाड़ रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे घास निकाल लेना, फिर उसके बाद जो है फिर अगला काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारा मॉर्निंग जो है वो सुबह जो है हमारी गांव वालों की ऐसे ही होती है, सुबह की शुरुआत होती है गांव में, और ऐसे ही सुबह से लग जाते हैं हर एक, जितने भी किसान भाई हैं वो ऐसे ही सुबह से ही बिजी हो जाते हैं अपने अपने कामों में। वैसे तो सभी बिजी हो जाते हैं, बट हमारा जो बिजी शेड्यूल है वो होता है काउ शेड या पशुओं के बीच में, परिवार के बीच में। तो हमारी जो सुबह है वो इसी तरीके से होती है, और सुबह ही हम पहले सबसे पहले काऊ शेड आते हैं, फिर वहाँ का काम करते हैं, फिर अपने खेतों का काम करते हैं, और फिर जो है वो थोड़ा सा फ्री होते हैं 10 या 11 बजे को, और फिर बस लगातार जो है वो कंटिन्यू, आपको पता ही है कि बहुत बिजी होते हैं आजकल तो, खासकर ज़्यादा, क्योंकि घास का ही पूरा नहीं होता है पशुओं के लिए। ये देखिए हमने जो स्टोर किए वो थे चील के पत्ते, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी की थी मैंने पिछली बारी, तो ये वो पत्ते हैं। तो आजकल बरसात में ना बहुत किचकिच जैसी होती है ना, कीचड़ ही कीचड़ होता है, तो हम जो है वो ये पशुओं के नीचे बिछा देते हैं, पर फिर भी देखिए आप कितना कीचड़ होता है, हे भगवान। आजकल तो ना पैर रखने को भी दिल नहीं करता काऊ शेड में। और यहाँ पे देखिए अब ऐसे कर रहे हैं सफाई, ये मिसिज जो है वो काऊ शेड की सफाई कर रहे हैं, वो आगे भी देखिए इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो ये देखिए अभी ये सूखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी 10-11 बजे तक जो है वो पशु बाहर बंद रहेंगे, पर फिर भी जो है ये सूखेगा नहीं, क्योंकि आजकल बरसात है आप लोगों को पता है ना, तो टाइम लगता है सूखने के लिए, पर कुछ कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा। तो ऐसे जो है हम सुबह ही पहले काऊ शेड की सफाई करते हैं, और अपने पशुओं का जो है वो कोशिश करते हैं पशुओं को भी अच्छे से जो देखभाल करने की, पर करना क्या, मजबूर होते हैं। देखो इस टाइम कितना कीचड़ी कीचड़ है ना, हे भगवान, बहुत बुरे लगता है। और पशुओं के हाल भी देखिए आप, कीचड़ से जो है वो पूरे खराब होते हैं, जबकि हम सुबह ही इनको नहला देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद ये मिसिज जो है इनको नहला देंगे, पर बड़ा पंगा होता है ये भी कीचड़ का, तो आजकल तो बस हे भगवान। ये भी हमने ना थोड़ी देर बाद जो है वो खेतों में फेंकना फिर जाके, और ये देखिए ना बुरा हाल हो जाता है कीचड़ से पशुओं का, आप सोचेंगे देखो कैसे है ये, अभी देखो आके जो है वो इनको नहलाना है, जैसे ही हम घर से आएंगे चाय पी के तो हमने नहलाना है, और तब तक देखो इनके कैसे बुरे हाल हो जाते हैं, हर रोज़ नहाते हैं और हर रोज़ यही हाल हो जाता है।
देखो कितना बुरा हाल होता है। चिक्कड़ बोलते हैं हम अपनी भाषा में इसे, ये जो ये होता है ना इसे चिक्कड़ बोलते हैं। ये देखिए बहुत बुरे हाल होते हैं। काउशेड को सुखाना ना मुश्किल हो जाता है बरसात में, क्योंकि बारिश है इतनी सारी और पशुओं के ये हाल हो जाते हैं। यहाँ पे अब हमारे हमने जो है वो कीचड़ को ले जाना है दोनों ने, तो हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो अभी ये कीचड़ जो है वो खेतों में जाके फेंकेंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत और काम होगा वो भी करेंगे। और ये देखिए अब हम चल पड़े हैं और इन्होंने भी उठाया, मैंने भी उठाया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने उठाया, तो ऐसे ही बने रहिए आप आगे तक। मैं रेडी हो गया हूँ शॉप जाने के लिए, तो अब मैं चलता हूँ। तो आप लोगों को मैंने जो है वो मॉर्निंग जो वर्क होता है, कैसे सुबह होती है और किन किन कामों से सुबह की शुरुआत होती है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया इस वीडियो में। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का ऐसा ही साथ रहा तो हम नई से नई चीज़ देखने को आपको मिलेगी और हम ना और जगह भी घूमने जाएँगे। अभी तो ये और हिमाचल के कल्चर, हिमाचल के काम काज जो भी है वो आप लोगों के साथ हर एक चीज़ जो है वो शेयर करते हैं और नई नई चीज़ें भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।